करनाल में भिक्षावृत्ति का काम तेजी से फल फूल रहा है। हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि छोटे छोटे बच्चे भी हर चौक चौराहों पर भिक्षा मांगते हुए सहज ही नजर आ जाते हैं। हालांकि सरकार, जिला प्रशासन भिक्षावृत्ति को जड़ से खत्म करने का काम भी कर रही है, पर धरातल पर इसके नतीजे शून्य ही दिखाई दे रहे हैं। कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन करनाल की CWC इस मामले को लेकर बेहद ही गंभीर नजर आ रही है। आपको बता दें कि समाचार एक्सप्रेस द्वारा पिछले कई दिनों से मासूम बच्चों के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर खबरें दिखाई जा रही हैं। खबरें चलने के बाद CWC एक्शन मोड में आ गई है, जहां मंगलवार को 7 ऐसे बच्चे काबू किए गए जो कि बाल मजदूरी कर रहे थे। वहीं बुधवार को CWC के चेयरमैन उमेश चांदना के द्वारा एक खास रणनीति के तहत 3 ऐसे बच्चे काबू किए गए जो कि सड़कों पर भिक्षा मांगने का काम कर रहे थे। उमेश चांदना के द्वारा पहले इन बच्चों को विश्वास में लेकर एक ऐसी दुकान पर लेकर जाया गया जहां पर इनका भरण पोषण किया गया। उमेश चांदना के द्वारा समय मिलते ही चाइल्ड लाइन पर कॉल किया गया। चाइल्ड लाइन ने तुरंत इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को दी। क्राइम ब्रांच ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को काबू कर लिया और उन्हें बाल आश्रम भेज दिया गया। CWC द्वारा आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है। उमेश चांदना ने बताया कि पहले 2 दिन तक इन बच्चों को बाल आश्रम में रखा जाएगा, उसके बाद इन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। यदि ये बच्चे दोबारा इस काम में संलिप्त पाए जाते हैं तो इनके अभिभावकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मासूम बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। यदि बच्चे ही ठीक नहीं रहेंगे तो देश कैसे उन्नति करेगा। वहीं इस मौके पर पकड़े गए बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने बच्चों के बचाव के लिए अलग अलग तर्क दिए, लेकिन CWC द्वारा उन्हें स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी गई, जो भी बच्चों के लिए बेहतर कानून है उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बच्चों को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है और CWC अपनी कार्रवाई में जुटी है। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के CWC के कार्यालय में। हमने आपको कल भी चेताया था कि इस तरह से CWC ने कल 7 ऐसे बच्चों को पकड़ा था, 7 ऐसे बच्चों को पकड़ा जो कि बाल मजदूरी में थे, लेकिन आज फिर CWC एक्शन में। हमने कल भी आपको चेता दिया था क्योंकि CWC अब एक्शन के मोड में। उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया था कि जो बच्चे बैगिंग के कार्यों में है, जो कि भिक्षावृत्ति के कार्यों में संलिप्त होने किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज बाल कल्याण समिति के द्वारा ऐसे तीन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है जो कि सड़कों पर भीख मांगने का काम करते हैं। और मेरे साथ इस समय क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि सर, आपने कैसे और आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिली थी इन बच्चों के रिगार्डिंग? आज सुबह चाइल्ड लाइन से हमारे पास फ़ोन गया था, अपना चांदना जी ने फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बच्चे भीख मांग रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन पे हम वहाँ पे पहुँचे थे, जो इनको रेस्क्यू करके अभी यहाँ ले आए हैं और इनके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक चेतावनी पहले दे दी जाती है इनको, अगर फिर भी नहीं समझते तो दूसरी बारी में हम इनका पर्चा दर्ज कर देते हैं। तो सर, आप इनको ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी है? नहीं, इनको नहीं मिली है, पहली ये फर्स्ट बारी है। अब इनका कोरोना टेस्ट करा के, नॉर्मल मेडिकल करा के इनको आश्रम में छोड़ेंगे, ताकि इनको एहसास हो भी बच्चे हमारे वहाँ गए हैं और आज नई सड़क पर ना निकलें। तो सर, बच्चों को कब तक वहाँ पर आश्रम में रखा जाएगा? 2 दिन या 1 दिन, उसके बाद चेतावनी देके पेरेंट्स को इनको सौंप दिया जाएगा। तो दोबारा अगर आते हैं और यही काम करते हैं भीख मांगने वाले, तो इनके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सर, अब आप समाज के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे अब ऐसी क्या मजबूरी है कि जो पेरेंट्स को अपने बच्चों से इस तरह के काम करवाने पड़ रहे हैं? कुछ मजबूरियां हो सकती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.